या तो सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि किन मामलों में हम यहां आ सकते हैं, किन मामलों में नहीं आ सकते। उनकी गिरफ्तारी हो गई, रिमांड हो गया, और मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। इसको कोई ताज्जुब की बात नहीं, हमें तो पहले ही मालूम था, मुझे मालूम है कि इनका मकसद यह है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इनपे ऊपर थोप दिए जाएंगे। शाहीन अब्दुल्ला, मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को की गिरफ्तारी हुई हो, शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ, और वो मामला भी 32 के लायक नहीं है। हाँ, इतना जरूर होता अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहती कि आप अपना केस हमारे सामने रखिए, और केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी कि इस मामले में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन यह कहना कि आप हाई कोर्ट पहले जाइए, कोई सुनवाई ना हो, या तो सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि किन मामलों में हम यहां आ सकते हैं, किन मामलों में नहीं आ सकते, तो अब होगा क्या, उनकी गिरफ्तारी हो गई, रिमांड हो गया, तो मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। इसको कोई ताज्जुब की बात नहीं, हमें तो पहले ही मालूम था कि ये देखिए, ये सरकार चाहती है कि कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री अपने पद पे नहीं बैठे। अभी ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी करेंगे, मुझे मालूम है कि इनका मकसद ये है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और भाजपा की सरकार वहां भी, ये इनका मकसद है। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इनपे ऊपर थोप दिए जाएंगे, और सब बनावटी केस हैं, ये भी बनावटी केस है। 10 थोप दिए जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं, ताकि जब 2024 का इलेक्शन हो तो फायदा भाजपा को। और एक आदिवासी जिसको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी आदिवासी को ऐसा पद मिला हो, उस आदिवासी को आपने गिरफ्तार कर दिया एक फर्जी मामले में, कोई एविडेंस है नहीं, कोई नाम है नहीं, और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकड़ का कोई जमीन है, 2009 में उन्होंने ये जमीन हड़प कर ली, उस जमीन में इनका नामो निशान नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नामो निशान नहीं है, वो किसी और के कब्जे में है, और बुनियादी जमीन है वो ट्राइबल लैंड है जो किसी को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, और जो ओरिजिनल ओनर हैं उनको वापस आज के दिन उनके पास लैंड है। और इन्होंने, हेमंत जी ने ये बताया, ईडी को बता चुके हैं कि 2007 के बाद मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, कोई संपत्ति ली नहीं 2007 के बाद, मेरे पास कोई संपत्ति है ही नहीं जिससे जो मैंने खरीदा हो, कुछ लैंड खरीदा हो, घर खरीदा हो 2007 के बाद। 2009 का मामला है और 2024 में गिरफ्तारी हो रही है, और अगर ये बात भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे, हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, पहले जवाब आएगा, फिर डेट लगेगी, 15 दिन 20 दिन बीत जाएंगे, फिर बहस होगी, फिर जजमेंट होगी, इस बीच तो 10 केस और हो जाएंगे। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, किस किस्म की राजनीति हो रही है? आप ये तो नहीं ऐलान कर देते कि सब चीफ मिनिस्टर को हम हटाएंगे, और सरकार अपनी बनाएंगे, कानून का तो कोई यहां मतलब ही है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट भी हमें बताए कि कब, आप हमें पहले ही बता दीजिए कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, 3 जज बिठाने का फायदा ही क्या है,
अगर आपने सोचा कि इतना अहम मामला है कि एक चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो रही है और तीन जज बैठ रहे हैं, तो फिर या तो नॉर्मल कोर्स में सुप्रीम कोर्ट में जाता, और अगर तीन जज बैठाए तो हमारी थोड़ी सुनवाई तो कर लेते।